मैंने आज से व्लॉगिंग छोड़ दी है। क्या? ये मेरे को लोगों ने कितने हेट कमेंट्स किए और क्या क्या लोगों ने मुझे सवाल किए हैं, आज हम ये सब क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। चलो पहला कमेंट था सौलत सईद की तरफ से। आपकी नजर में है कोई घर तोड़ने वाला? हाँ मेरे पास एक नंबर है, घर तोड़ता है वो। मिला, अच्छा हेलो अस्सलाम वालेकुम जी पोपो। किरण किचन 779 ने किया है। अच्छा जी किरण जी, आपके लिए जवाब ये है कि नेक्स्ट कमेंट है अफरा आसिफ 3658 की तरफ से। जी वो लाइव स्ट्रीम करती है। इफ्रा क्या हुआ बेटा, आज व्लॉग नहीं बनाना क्या? नहीं। चलो भाई जल्दी, 9:30 हो रहे हैं, पकाना भी है, घर में खाना नहीं खाओगी क्या? मैंने आज से व्लॉगिंग छोड़ दी है। क्या? क्यों? यस क्यों छोड़ दी? लोग इतने बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे हैं, इतने हेट कमेंट्स कर रहे हैं, तो क्या हो गया? लोगों का काम ही, हाँ लोगों का काम ही बोलना। क्या कमेंट्स आ रहे हैं बताओ मुझे? इतने गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, इन पतीलियों में खानी बनाओगे आप लोग? क्या करें, छोड़ दोगी क्या? क्या करें इस पतीलियों में, जब इंशाल्लाह हमारी अर्निंग आने लगेगी, हमारे पास इतना होगा तो हम इंशाल्लाह नए भी ले आएंगे। लेकिन अभी तो लोग बातें बना रहे हैं, अभी का क्या करें? बोलने वाले को बोलने दो, तुम अपने काम पे फोकस करो यार। और क्या, छोड़ो बोलने वालों को, अपना काम। कमेंट्स क्या रहे हो बताओ मुझे। चलो फिर मैं आपको और आपको दोनों को कमेंट्स बताती हूँ कि मेरे को लोगों ने कितने हेट कमेंट्स किए और क्या क्या लोगों ने मुझे सवाल किए हैं, आज हम ये सब क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। चलो करो। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बताओ बेटा कमेंट्स बताओ, पहला कमेंट्स कौन सा आया था, फिर उस पे जरा बताते हैं लोगों को। पहला कमेंट था सौलत सईद की तरफ से, उनका कमेंट ये है कि एज यूजुअल गंदा घर गंदा किचन, बहुत ही गंदगी में रहने वाले लोग हैं ये सब। ओ अच्छा, इनका रिप्लाई क्या बनता है वो बताएं। हमारा घर तो है भाई छोटा सा, क्या कर सकते हैं अब इसके लिए, हमें ऐसा ऐसा करते हैं कि भाई कुछ पैसे ले लेते हैं किसी से, उधार लेते हैं, अरेंज करते हैं उसको, ये कर लेते हैं और जो है बनवाने की कोशिश करते हैं, रिपेयर कराते हैं घर को। आपकी नजर में है कोई घर तोड़ने वाला? हाँ मेरे पास एक नंबर है, घर तोड़ता है वो। मिलाओ मैं मिलाती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी पोपो। वो पापा मम्मा बोल रहे थे घर तोड़वाना, आप आ सकती है फ्री टाइम में? पोपो फोन क्यों कर रही है? तो आपने बोला था ना घर तोड़वाने वाले को कॉल करो, मैं उन्हीं को तो कॉल कर रही थी भाई। पोपो घर तोड़ने वाली है तो और क्या, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? अरे भाई ये घर तोड़ने वाला, क्या सिखा रही है इसको? भाई मुझे नहीं पता भैया, इसने कहां से सीखा, क्या क्या हो गया तेरे को, पागल हो गई क्या? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। आज तो पप्पू ने तो घर तोड़ दिया है, ये घर तोड़ने वाली नजर आ रही मेरी बहन तेरे को। हां तो आपको पुलिस कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा तो इंशाल्लाह सुन, लेकिन ये है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी छत है तो हम लोग इसी में एडजस्ट करें, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में कुछ साल में जैसे ही हमारे पास कुछ रकम जमा होती है, हम किसी से बोरो लेते हैं उधार लेते हैं तो हम इंशाल्लाह इसको रिपेयर करवाएंगे। अभी जैसा अल्लाह का शुक्र करके रह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान और कराची के हालात ऐसे है नहीं कि हम इसको रिपेयर करवा सकते हैं, इतने पैसे लगा लें। या तो आप खाना पका लो 3 टाइम का, या दो टाइम का खाना पका के खा लो, या आप बच्चों को स्कूल भेज दो, या आप घर में राशन डलवा लो, इतने पैसे में इतना होता है। क्योंकि आपको पता है आजकल जॉब भी मिलना मुश्किल है, मेरे पापा जॉबलेस हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है। जो भी कर रहे हैं अभी हम लोग कर रहे हैं, हम अपनी ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स की शॉप चला रहे हैं, उसी से हम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। पानी लेकर आना भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। अभी मेरे पापा जॉबलेस हैं, उनको बिल्कुल भी जॉब नहीं मिल रही कहीं पर भी, क्योंकि एजुकेशन का मसला इनके पास। एजुकेशन के अलावा जो है ना आजकल सिर्फ वो वाली जॉब मिल रही है कि आप बाहर धूप में खड़े होकर ऐसे काम कर लें, तो मैं नहीं चाहती मेरा बाप ऐसे काम करे। दैट्स व्हाई हम लोग ने छोटा मोटा काम स्टार्ट किया ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स का, तो बस जितना उससे होता है घर का गुजारा तो हम कर लेते हैं, उसमें ही हम आपको यूट्यूब का खाना वगैरह बनाते हैं, उसी में हम राशन वगैरह लेकर आते हैं और उसी से हम वीडियोस बनाते हैं। तो ये इनके कमेंट्स का और बाकी सबके कमेंट्स का रिप्लाई था जो हमसे ये पूछ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें हमारे हक में, दुआ करें ताकि ये सब प्रॉपरली काम हो जाए और हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस घर को रेनोवेट करवा लें। इंशाल्लाह आपके मैसेज का सारा जवाब मिल चुका है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैसेज करने से पहले सोचें कि दूसरों के घर के हालात कैसे हैं, वो कैसे चला रहे हैं घर को और किस तरीके से उनका घर का निजाम चल रहा है। ठीक है अब चलते हैं हम लोग सेकंड कमेंट्स की तरफ और देखते हैं कि सेकंड कमेंट्स में हमसे क्या पूछा जा रहा है। चलो मिफ्रा आ जाओ, सेकंड कमेंट का भी जवाब देना यार।
हाँ तो सेकंड कमेंट हमारे लिए मींस हाँ आपकी बेटियों के लिए है, किरण किचन 779 ने किया है। आप बहुत अच्छी हैं बट पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। अच्छा जी किरण जी आपके लिए जवाब ये है कि माशाल्लाह मेरी बेटियां 5 बेटियां हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपनी बेटियों को बेटों से अच्छी तरजीह देता हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे 5 बेटियां दी हैं, मेरा कोई बेटा नहीं है, और हम 5 और 6 और 7 हम 7 बंदे हैं इस फैमिली के अंदर और 7 के 7 हम रहते हैं एज अ फ्रेंड की तरह। मैं इनके साथ बाप नहीं बनता, मैं इनका दोस्त बनता हूँ, इनका भाई बनता हूँ। और कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो अपने बाप के बहुत ज्यादा सख्त और अपनी माँ के बहुत ज्यादा सख्त होने की वजह से कुछ कर नहीं पाती और वो डिग्रेड रहती है, एंजाइटी डिप्रेशन में रहती है। सो उन्होंने इस चीज को आम किया, ये मेरा बाप जो है ना वो लोगों के लिए वो क्या कहते हैं आइडल मिसाल है कि लोग जो है ना अपनी बच्चियों को एक उसमें रखते हैं। तो मेरे बाप ने बोला खुद इंडिपेंडेंट बनो, खुद कमाओ, खुद खाओ, हमें भी खिलाओ, लेकिन हम ये खुद नहीं बोलते कि भाई हमें भी खिलाओ, लेकिन हमारा यू नो बाप है माँ है तो हमारा खुद दिल चाहता है कि यार नहीं इन लोगों के लिए करना जो भी करना है क्योंकि इन्होंने हमें आजादी दी है। ज्यादा गुस्सा दिखाने से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और जो है ना क्या नाम उसका उनको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती, वो अगर बाहर जाते हैं तो लोगों से घबराते हैं और फिर वो माँ बाप से बातें भी छुपाने लग जाते हैं कि हमने ये किया वे किया और फिर वो कदम गलत। इससे अच्छा है कि आप अपने माँ बाप को दोस्त बनाओ, उनको जैसा आप बाहर लोगों को दोस्त बना के सब बातें करते हो वैसे आप अपने माँ बाप को दोस्त बनाओ और उनके साथ सारी आप लोग अपने आजकल के हालात भी ऐसे हैं कि बच्चियों को अकेला बाहर नहीं छोड़ सकते तो ये घर में आके बताएं, तो अगर बाहर अगर कुछ हो गया है अल्लाह ना करे तो ये आके मेरे को नहीं बता सकती तो अपनी माँ को तो बता सकती। आप घर के बाहर भी तो ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हो, उनसे भी तू तू तड़ाक तुम करके बात करते हो, तो हम अपने पेरेंट्स से कर लें क्योंकि वो बुरा नहीं मानते, लोग बाहर वाले बुरा मान जाते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों ने अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट नहीं किया और ना गाली बकी है। आप लोग अपने दोस्तों में रहकर गालियां भी बकते हो लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं करते और हमारी बहुत अच्छी तरबियत हुई है। जज़ाकअल्लाह, यही था हमारे कमेंट्स का रिप्लाई, ये वाले किरण आपके लिए था ये और बाकी जितने भी लोग ये सवाल करते हैं उन सबके लिए कमेंट्स का रिप्लाई था। नेक्स्ट कमेंट है अफरा आसिफ 3658 की तरफ से, व्हाट इज योर सिस्टर ऑलवेज डूइंग इन द बैकग्राउंड, लाइव स्ट्रीम करती हैं क्या? जी वो लाइव स्ट्रीम करती हैं क्योंकि अभी आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर लाइव स्ट्रीम करते हैं और मैं आपको आईडी जो है ना यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, आपको नजर आ जाएगी और यहाँ पर आप जा सकते हैं। लाइव टाइमिंग है 8 PM to 12 PM, ठीक है, तो आप लोग जाकर एंजॉय करो, 12 AM सॉरी, तो रात में लाइव आते हैं हम लोग इस टाइम पे और 4-5 घंटे बैठते हैं, जो भी होता है उससे हम अपने घर का थोड़ा बहुत चला लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ उनका सेटअप क्या है, ये सेटअप है भाई, ठीक है, यहाँ ये लाइव बैठी होती है, यहाँ पापा इसके बराबर में बैठे होते हैं और ये लाइव चला रही होती है इस तरीके से, ये देखो ये इस तरीके से लाइव चला रही होती है टिकटॉक पर, ओके। और ये रही मुस्फिरा, ये मुस्फिरा सिद्दीकी, हेलो करो मुस्फिरा, मजा आता है, और भी लोग आएंगे आपके पास। अब टाइमिंग क्या है आपकी, 8 PM to 12 AM राइट, और यहाँ 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक बैठती है मुस्फिरा और इसके बराबर में मैं बैठ के देखता हूँ कोई बैड कमेंट ना करे या कोई गलत बात ना करे इससे, तो मेरा मेरे पापा साथ होते हैं वो सब हैंडल कर रहे होते हैं मॉडरेटर बनके, ठीक है। तो ये है हमारी कहानी कुछ टिकटॉक की कि भाई कोई बैड कमेंट्स वगैरह करता है तो पापा हैंडल कर लेते साथ में, क्योंकि बाप का होना या किसी मर्द का होना भी लाजमी होता है, तो हमारा बाप हमारा भाई भी है, हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है और हमारा पेरेंट्स भी सब कुछ है, समझ रहे हो, भाई भी है, सब कुछ है, सब कुछ मतलब ऑल। अच्छा सो भाई ये था हमारा Q&A सेशन, जो आप लोगों को जो भी माइंड में सवाल होंगे वो होपफुली क्लियर हो गए होंगे। ये थे हमारी छोटी सी Q&A वीडियो जो मैं आपके लिए लाना जरूरी समझती थी और जिन कमेंट्स को मैं जरूरी समझती थी वो मैंने इस कमेंट्स में इस वीडियो में आपको बताया और उनके कमेंट्स मेंशन भी किए कि किन किन के क्या क्या बोला है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम सबके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे ताकि सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इंशाल्लाह आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। आप लोगों के कमेंट्स के बारे में हम अपनी वाइफ को नहीं बता देते मगर आप लोगों की वजह से हमें बताना पड़ा, इसलिए मेरी वाइफ बहुत सैड हुई क्योंकि मैं तो झेल सकता हूँ मगर माँ है ना यार वो नहीं झेल सकती। तो कोशिश करें कि किसी की दिलादारी ना करें, ठीक है। मेरी बेटी मैं तो मेरे को हर चीज बता देती है मगर आज वो भी सैड थी, मेरी वाइफ भी सैड हो गई है, तो आप लोगों की मेहरबानी होगी मैसेज करें, मना नहीं है, कोई हमारे अंदर अगर कोताही है कोई कमी है तो बताएं और हम उसको क्लियर करेंगे, मींस हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें पता है आप लोग हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कुछ अच्छे के साथ साथ बहुत सारे बैड कमेंट करते हैं जिससे हम बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, क्योंकि हमारी एक प्लेटफॉर्म जो हम बनाते हैं ना जिंदगी में वही हमारा फिर किस्सा चला चला जाता है और ये वीडियोज रहेंगी हमेशा इंशाल्लाह और आगे भी कंटिन्यूअसली करते रहेंगे और हम इसके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
और अल्लाह के इंशाल्लाह अल्लाह ने दिया इतना तो हम और भी ज्यादा वीडियोस बनाएंगे। तो गाइस यही था हमारे आज का वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं और मेरे फादर टीम ए टीम बी मिलके चैलेंज करने वाली है। वो चैलेंज कौन सा होने वाला, क्या होने वाला, कब होने वाला है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।